है वेलकम बैक। आई एम नवीन फ्रॉम कैथ क्लासेस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आपके सामने छह फार्मूला देखा था और आपको अच्छे से याद होगा इन छह को छह फार्मूला। हम इससे आगे देखेंगे क्या होता है फार्मूला, लेकिन उससे पहले आपको यह छह फार्मूला बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, नहीं तो आगे की फार्मूले बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। तो यह छह फार्मूला मैं आशा करता हूँ कि आपको याद होगी। और मैं अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके आगे मैं देखता हूँ कौन सा फार्मूला होता है। तो मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर फार्मूला है cos a plus b की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि cos a into cos b minus sin a into sin b। तो हम अगर क्या करें, यहाँ से अगर इस वाले फार्मूला को हम लें, तो अगर हम पुटिंग ए पुटिंग ए यानी कि बी के स्थान पर अगर हम ए पुट कर दें बी के स्थान पर हम अगर ए पुट कर दें बी के स्थान पर ए पुट कर दें तो क्या होगा इस फॉर्मूला में, जरा आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो B के जगह पर A पुट कर दें, यानी कि B को चेंज कर दें किसके माध्यम से, A के माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा cos A plus A। इधर क्या हो जाएगा, जहाँ B है वहाँ तो A हो जाएगा cos A into cos A माइनस यहाँ क्या हो जाएगा sin A, और यहाँ भी हो जाएगा sin A। लेकिन इधर क्या होगी आपके पास देख पा रहे होंगे, यहाँ हो गया cos 2a। होने से क्या हो गया, यहाँ पर cos और cos का मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आपके पास 7 नंबर फार्मूला निकल के आया कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो एक नया सा फार्मूला निकल के आया कि cos 2a, यानी कि अगर थीटा में 2 से मल्टीप्लीकेशन है तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हम उसको लिख सकते हैं। इसी फार्मूला से कुछ और निकल के आता है जो कि थ्री में होता है। क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास 2a है, यहाँ पर हमारे पास 2a जो है, इस 2a को हम हटा देते हैं, यानी कि 2a बराबर कुछ और हम अगर रख दें, 2a बराबर अगर हम c रख दें तो a बराबर क्या आएगा, c by 2 आएगा। 2 बराबर अगर c रख दें तो ca बराबर आएगा c by 2, यानी कि अगर हम यहाँ पर c रखें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर हम 2 को हटा दें, यहाँ से 2 को हटा दें, इसके जगह कुछ और रख दें, तो जहाँ जहाँ पर a है उसके नीचे आ जाएगा 2। यानी कहने का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अगर cos c लिख दें, c अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लिख दें b, क्या लिख दें b, तो यहाँ पर cos b बराबर हो जाएगा कि cos स्क्वायर b by 2, क्योंकि a के जगह पर b by 2 आएगा, a के जगह पर b by 2 आएगा, अब माइनस sin स्क्वायर b by 2 आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से 2 को हटा दें तो इधर 2 आ जाएगा। आप सीधी सी बात रखें, b के जगह पर a भी रखें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, a by 2 और a by 2। तो एक जो है नया फार्मूला निकल के आया, इसको आप मगनी वाला फार्मूला कह सकते हैं, जो फ्री में नहीं होता है, है? जैसे आप कोई सामान लेते हैं तो क्या होता है कि इस पर एक फ्री। तो यह फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यह भी क्या होगा, याद हो जाएगा, क्योंकि फ्री है, मगनी इसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो 2a अगर है, यहाँ से 2 को अगर हटा दें तो 2 जाएगा यहाँ, 2 जाएगा यहाँ, ठीक है, अच्छी सी बात है।
इसी फॉर्मूला को अगर हम और लिखें, आपको पता है कि एक फॉर्मूला और होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। पहले क्लास में मैंने आपको कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ दें तो 1 के बराबर होता है। यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर ए निकालें, इसको रहने दें, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम साइन स्क्वायर ए निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। तो यह दोनों में से अगर कोई हम इसके अंदर डाल दें, तो हम अगर डाल दें तो क्या होगा कॉस टू ए बराबर हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर ए के जगह पर हम डाल दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसके जगह पर, अब माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए दोनों को दोनों निगेटिव, तो क्या हो जाएगा कॉस टू ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये भी एक नया फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया है, कॉस टू ए बराबर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। लेकिन इसी में हम अगर साइन को चेंज करें तो होगा क्या कि कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर को छोड़ दें तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पर लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, तोड़ें तो माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए दोनों को दोनों जुड़ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। तो कॉस का कितने फॉर्मूला आपके पास आ गया, कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ पर भी आप 2 हटा सकते हैं, कॉस ए बराबर 1 माइनस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ से अगर 2 हटा दें तो यहाँ ए बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हटा दें तो यहाँ ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कॉस टू ए का फॉर्मूला आप देख लिए। कॉस टू ए का फॉर्मूला हम और देखेंगे टेन के रूप में, टेन के रूप में आप कर इसको नोट डाउन, फिर हम देखते हैं कॉस टू ए का टेन के रूप में। हम अभी देखे थे कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे यानी कि डिवाइड में कितना होता है 1। अगर हम 4 लिखें तो 4 नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो कुछ नहीं तो इसके नीचे तो हम 1 लिख ही सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, नहीं ना। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा, हम नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी लिखा हुआ था यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो यह दोनों जोड़ने से 1 हो जाता है, तो नीचे 1 के जगह पर हम इसको भी लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कॉस स्क्वायर ए, हम करेंगे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, कॉस टू ए बराबर ऊपर अगर हम डिवाइड करें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ हम अगर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करें और नीचे भी डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे भी डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर ए से, यह जो कॉस है इसके साथ भी और इसके साथ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए के नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहां से कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए जाएगा, आ जाएगा आपके पास कॉस टू ए बराबर यहाँ पर वन वन माइनस साइन बटे कॉस, तो हो जाएगा टेन टेन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपके पास कॉस टू ए का फॉर्मूला एक नया बन के आया, वन माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉस टू ए बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यह एक नया फॉर्मूला निकल करके आया है। ठीक है, तो आप कॉस टू ए का काफी सारा फॉर्मूला को देख लिए। अब हम चलते हैं साइन टू ए की ओर, अब हम चलते हैं साइन टू ए की ओर। साइन टू ए, साइन टू ए को हम यहां से निकालेंगे, यहां से हमारे पास साइन ए प्लस ए कर देंगे, बी की जगह पर क्या कर देंगे ए कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा। बी की जगह ए कर देना है, तो बी की जगह अगर ए करिएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन टू ए। अच्छा, दू गुना तीन लिखे चाहे तीन गुना दू लिखे, कहने का मतलब कि साइन ए इंटू कॉस ए भी है और साइन ए इंटू कॉस ए भी है, तो साइन इंटू कॉस है साइन इंटू कॉस है कितना हो गया दू हो गया। साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए, यह एक नया फॉर्मूला निकल के आया टू साइन ए इंटू कॉस ए। आपको थ्री वाला फॉर्मूला तो याद रहेगा, साइन ए बराबर टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, यह फॉर्मूला हर जगह लागू होगा, जहां भी टू की बात करें यह फॉर्मूला हर जगह लागू होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, क्या समझ लिया इसके आगे चलते हैं, तो साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो इस पर हम और आगे चलते हैं। हमने जाना साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए, के नीचे वन लिख सकते हैं अभी सेम उसी प्रकार, पर नीचे जब वन लिख सकते हैं तो साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या कर देंगे कि इसमें हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे, फिर से डिवाइड कॉस स्क्वायर ए न्यूमिनेटर एंड डोनोमिनेटर, डिवाइड कॉस स्क्वायर ए ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे, तो हम लिख देंगे साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए, इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, नीचे है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। आप समझ पा रहे हैं, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा और यह कॉस से एक कॉस यहाँ से जाएगा, एक कॉस यहाँ पर अभी बच रहा है, तो एक कॉस अगर यहाँ पर आपके पास बच रहा है तो क्या हो जाएगा कि टू साइन साइन ऊपर कॉस नीचे, यानी कि साइन कॉस को अगर साइन बटा कॉस ऊपर टेन लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया साइन टू ए बराबर ऊपर में आ गया टू टेन ए, टू टेन ए नीचे में क्या आया है वन प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर
तो साइन 2a का फॉर्मूला निकल के आया है 2 tan a डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आपने देखा क्या, cos 2a और साइन 2a के सारे फॉर्मूला को आप लोगों ने देखा, cos 2a साइन 2a। यह दो फॉर्मूला हम आज दो फॉर्मूला पढ़ने देते हैं, आप फॉर्मूला आगे याद करते रहिएगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको जरा देख लेते हैं। तो हमने आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हमने आज 7 नंबर फॉर्मूला की बात करें तो 7 नंबर फॉर्मूला हमने देखा cos 2a बराबर क्या देखा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहां से अगर हम cos a खाली लिखें तो क्या होगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यह फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह फॉर्मूला आपको याद ही रहेगा। उसके बाद 8 नंबर हमने देखा था cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी आप 2 हटा के यहाँ पर 2 लेके जा सकते हैं, अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फिर हम 9 नंबर देखते हैं, एक हमने लिखा था cos 2a बराबर 1 माइनस 2 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यह फॉर्मूला हमने देखा था। फिर हमने 10 नंबर देखा था cos 2a बराबर हमने देखा था 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, यह फॉर्मूला हमने देखा था। उसके बाद देखा था 11 नंबर साइन 2a क्या हुआ था, 2 sin a into cos a। उसी प्रकार हमने 12 नंबर देखा साइन 2a बराबर 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ से आप 2 हटा के यहाँ 2 आप लेकर जा सकते हैं, एक अलग फॉर्मूला आप बना सकते हैं। जैसे फ्री में, कहने का मतलब कि आप साइन ए बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 2 sin a बाई 2 into cos a बाई 2, यह फॉर्मूला आपको काफी काम आएगा। तो यह हमने 12 फॉर्मूला अब तक देखा, यह 12 फॉर्मूला मैं आशा करता हूँ कि आप याद कर कर ही अगले क्लास को करेंगे। आप नोट डाउन कर लें 1 जगह पे, आपको डेरिवेशन याद हो या ना हो लेकिन फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो विदाउट फॉर्मूला के आपको क्वेश्चन आगे नहीं बन पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप फॉर्मूला को याद करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करेंगे तो उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथ को पढ़ेंगे, क्योंकि अब मैथ पढ़ना काफ़ी आसान हो गया है।